गुड मॉर्निंग एवरी वन, हैप्पी मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति का दिन है और मैं जस्ट अभी मेरा फ्रेश होके शावर लेके आई हूँ। 12:15 बजे हुए हैं और नहीं 11:15 बजे हुए हैं। सारा काम हो गया है, भाभी अभी बस पोछा ही लगाने वाली हैं, बाकी डस्टिंग वगैरह एवरीथिंग इज़ कम्प्लीट। यहाँ काइट्स रखी हैं क्योंकि विवेक और अभी ऊपर जा चुके हैं काइट्स फ्लाइंग के लिए। और मैंने कहा था ना आपको कुछ गेस्ट आ रहे हैं आज, देखो एक पिंपल था एक और निकल आया यहाँ पे। तो हाँ कुछ गेस्ट आ रहे हैं। कौन, जिनके घर हम अहमदाबाद गए थे, रूपल और भाविक भाई, वो लोग ही आ रहे हैं। वो सैटरडे संडे भी था तो यहाँ आए हुए हैं, बट अभी फ़िलहाल होटल में रुके हुए हैं क्योंकि कल रात को 3 बजे पहुँचे और उनका सडन प्रोग्राम बना था शाम को 6 बजे। हमें इन्फॉर्म नहीं कर पाए थे तो वो होटल में चले गए ना बोलने के बाद भी। हम लोग ने झगड़ा भी किया एक्चुअली, साथ में रूपल के मम्मी डैडी भी हैं तो वो बोल रही थी कि मम्मी डैडी हैं इसलिए हम लोग होटल में जा रहे हैं, इतने सारे लोग अनकम्फर्ट हो जाएगा। फिर मैंने उसको डांटा, बहुत डांटा कल शाम भी और अभी सुबह में भी कॉल किया था मैंने, बहुत डांटा है उन लोगों को। अब रात को 3-4 बजे वो लोग पहुँचे तो ऑब्वियसली लेट उठे हैं, तो ब्रेकफास्ट उन्होंने वहीं कर लिया है, लंच यहाँ पर होने वाला है। मकर संक्रांति के दिन मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी। देखो विवेक ने हार लगा दिया है फूलों का, वो आज भी अपने पापा को बहुत मिस करते हैं और आज के दिन थोड़े से अपसेट भी रहते हैं, तो अच्छा है आज उनका दोस्त आ गया तो थोड़े से बिजी रहेंगे। तो आज हमारा प्रोग्राम है ऊंधियू खाने का। ऊंधियू आप सबने सुना होगा, गुजरात का ऊंधियू, स्पेशली सूरत नवसारी का ऊंधियू बहुत फेमस है। तो यहाँ हर साल हम लोग ऑर्डर देते हैं एक जगह पे, बहुत अच्छा मिलता है ऊंधियू, तो विवेक ने वहाँ ऑर्डर प्लेस किया है क्योंकि अंकल आंटी रूपल भाविक भी हैं। तो घर पे पूरी बनने वाली हैं, घर पे गुजराती दाल और चावल, मैं अभी जा रही हूँ बनाने के लिए। गुजराती दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, पूरियाँ मीनाक्षी बनाएगी और ऊंधियू, और स्वीट में जलेबी आएगी। आज के दिन जलेबी खाते हैं यहाँ पे सब लोग। तो ये हमारा लंच का प्रोग्राम होने वाला है। तो ये लोग अभी होटल में, अभी फ्रेश होके थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे, आंटी अंकल यानी रूपल के मॉम डैड और भाविक भाई और क्रिश और ये नहाने। जा बेटा फ्रेश हो जा, यही रह गई थी। अब ये मेरा मतलब सच्ची में मैं क्या बोलूँ, मेरा राइट हैंड है ये और मैं दोनों मिलके पूरा घर साफ किए हैं। सुबह सुबह सारी डस्टिंग की है, पूरा घर मैनेजेबल किया है। अभी तो नहा धो के यही पहन लिया मैंने। हमारे यहाँ पे आज के दिन को उत्तरायण कहते हैं, तो हैप्पी उत्तरायण। मकर संक्रांति को उत्तरायण कहते हैं, उत्तरायण। और आज के दिन यहाँ काइट फ्लाइंग होती है बहुत जोरों शोरों से, पूरा मतलब क्या बोलूँ मैं, पूरा गुजरात छत पे टेरेस पे होता है। मैं अभी दिखाऊंगी आपको, विवेक और अभी गए, अभी मैं जाती हूँ ऊपर और आपके लिए शूट करती हूँ। वो दोनों काइट फ्लाइंग कर रहे हैं और फिर जब मेहमान आएंगे तो आपको शो करूँगी। शायद शूट इतना ना करूँ यार, कभी कभी फैमिली टाइम भी होना चाहिए, फ्रेंड्स का टाइम होना चाहिए। हमेशा व्लॉगिंग व्लॉगिंग कभी कभी गेस्ट को अनकम्फर्ट लगता है। सो मुझे नहीं पता आंटी अंकल कितने कैमरा फ्रेंडली हैं, बट मैं थोड़ा सा शूट ज़रूर करूँगी और आपको छत पर दिखाती हूँ, है ना। ऊंधिया ज़रूर दिखाऊंगी। ऊंधियू वैसे घर में भी बनती है लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इन द सेंस रेसिपी इतनी डिफिकल्ट नहीं है लेकिन उसकी प्री कुकिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। बहुत सारी सब्जियां पड़ती हैं अंदर, बहुत सारी, लॉट ऑफ। कभी ज़रूर बनाऊंगी तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। प्रिशा आपने शोरूम बंद नहीं किया बाबू? चलो अभी मैं ड्रायर कर लेती हूँ क्योंकि आज ना यहाँ पर ठंड बहुत हो रही है, मुझे ठंड लग जाएगी। और मैंने किया था वो ममार्थ का मेहंदी, आपको पता ही है, तो मैंने रात तो तेल डालना भूल गई थी मैं, मैंने सुबह में ऑयलिंग करके अभी 1 घंटा ऑयल रख के मैंने वॉश करा है तो मुझे तो बाल अच्छे लग रहे हैं। अभी सूखने के बाद देखते हैं कैसे रहते हैं, सीरम लगा लेती हूँ। मैंने मिलके यहाँ पे अंकल आंटी के लिए रूम तैयार कर दिया है, यहीं रुकना है। फिर देखो ये लोग क्या बोलते हैं, ये अंकल आंटी के लिए रूम रेडी हो गया है, अंकल आंटी यहाँ पे सो जाएंगे और बाकी उस वाले रूम में मैं और रूपल और प्रिशा सो जाएंगे। और आगे वाले रूम में बहुत सारे गद्दे ना मेरे यहाँ थे, इसके अंदर मैंने सब इंतज़ाम करके रखा है। रूपल मुझे बोल रही थी कि तुम्हारे यहाँ गद्दे होंगे कि नहीं इतने सारे, हम लोग कैसे इतने सारे लोग आ जाएं। मैंने कहा मैंने सब इंतज़ाम किया हुआ है, मेरे पास और भी 3 से 4 गद्दे, मैंने जब ये घर का रेनोवेशन किया था ना, सोफ़ा वगैरह बनवाया था 2020 में, आपको याद होगा, तब मैंने गद्दे वगैरह भी बनवाए थे, तो एक्स्ट्रा गद्दे इसके अंदर थे वो निकाल दिए मैंने, लगा दिए हैं उधर। तो अगर मैंने तो बहुत फोर्स किया, देखो मैंने तो बहुत डांटा भी है, आप होटल से चेकआउट करके ही आओ, यहीं पर रुकना है रात को। तो देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। मैंने अपने साइड से सब कुछ रेडी कर दिया है, आंटी अंकल का रूम और ये वाला रूम भी, ये वाला रूम भी पूरा रेडी हो गया है, तो रेडी रहता ही है, देखते हैं क्या होता है। तो सभी मेहमान घर पे पहुंच चुके हैं और पहुंचे हुए भी 1-1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। मैंने यहाँ पे मतलब प्रिशा ने जलेबी गरम होने रखी हैं ओटीजी में और ऊंधिया जो है वो आ चुकी है, विवेक जाके लेके आ गए हैं। 1.5 किलो लगभग हम सबके बीच में ऊंधिया लगी थी तो वो मैं गरम कर रही हूँ वापस से एक बार, और ये सच में बहुत टेस्टी लगती है। आप भी अगर खाना चाहते हो, बनाना चाहते हो तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना गुजराती ऊंधियों की रेसिपी। और प्रिशा तैयार हो गई है, देखो कितनी क्यूट लग रही है।
और बस अब हम लोग लंच करेंगे, इसके बाद में बच्चे और विवेक टेरेस पे जाएंगे। मेरा तो मन नहीं कर रहा है, वैसे मैं हर साल टेरेस पे थोड़ी देर जाती हूँ शाम को, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं गई थी। तो यहाँ पे उंधिया जैसे गर्म हो जाए वैसे सबको खाना सर्व करती हूँ। साथ में पूरी है और गुजराती दाल है जो कि पहले मैं बनाने वाली थी, फिर मीनाक्षी बना के गई हुई है। अहमदाबाद से आया, पतंग चगा रहा है, देखो ये पहली बार पतंग चगा रहा है इसके लाइफ में। यस यस। और ये मेरी पिछली है, दौड़ी दौड़ी छोड़ दौड़ी छोड़ दोरी छोड़ धीरे धीरे छोड़ी छोड़ दोरी छोड़ 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 दोरी छोड़ छोड़ी छोड़ और छोड़ू। हाँ छोड़ छोड़ता रहे छोड़ता रहे। क्रिस कैसा लग रहा है पतंग चका के? पेर छोड़ छोड़ छोड़। यस यस। क्या झूठ बोलता है पतंग चगाने के लिए? क्रिश देख रहा है। अभी देखना, ध्यान देना मेरा बच्चा। देखिए आप लोग देख सकते होंगे कितने सारे स्काई में काइट से हर जगह, इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा बट वहाँ दूर दूर भी काइट्स है। देखिए हाँ अब दिख रहा होगा, ये बहुत दूर है हमसे, लाइक सीरियस पूरा काइट से भरा हुआ है इसका एक, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, दिस इज माय क्रिश माय फ्रेंड हाय। हाँ एंड ये रे पापा, क्या कर रहे हैं अभी पापा? ये इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं जो पापा कर रहे हैं? Around the kite. Oh, I was asking in Gujarati. दोरी ने पतंग नी आजू बाजू बांधवानी। आजू बाजू? नहीं आजू बाजू है, अंदर। अंदर? पतंग अंदर? तक क्या बांधवानी तू बोल? जो कुछ कहते हैं। स्टिक पर, एनी स्टिक पर, एनी डांडी पर। डांडी पर। ये तुषार है, तुषार। हाय तुषार। My friend. तो गाइस रात हो चुकी है, मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की इन बिटवीन। प्रिशा ने थोड़ा सा टेरेस पे से शूट किया था, थैंक यू प्रिशा। और जिस वक्त ये वहाँ शूट कर रही थी उस वक्त मैं घोड़े बेच के यहाँ सोई थी नीचे। यहाँ पे रूपल जी सो गई थी घोड़े बेच के, वो भी हम लोग कितने सोए थे, 3:30 पे तुम्हारा खाना हुआ। मैंने अभी तक आपको किसी से मिलवाया नहीं है, अब वो लोग आएंगे ना तो मैं शूट करूँगी। प्रिशा थोड़ा शूट करना, वो लोग आए तो आंटी अंकल से मिलवाना, भाविक से और रूपल से मिलवाना। तो देखो आंखें लग रही है ना फ्रेश एकदम सोई सोई। मकर संक्रांति यानी उत्तरायण के दिन मैंने बहुत नींद निकाली है गाइस। मैं मतलब समझ लो आप, वो लोग आए कितने बजे घर पे पहुंचे थे, लोग 1 बजे के तकरीबन आए थे ना प्रिशा। फिर उंधिया पूरी आपने देखा होगा मैं गरम कर रही थी, उंधिया पूरी, देन वी हैड जलेबी। ये यहाँ गुजरात का मेन वो होता है आज के दिन। एंड खाना भी ऐसा था, गुजराती दाल बहुत अच्छी बनाई थी आज मीनाक्षी बना के गई थी, पूरी बनाई थी उसने साथ में गरम गरम, तो सबको बैठा दिया था खिलाने के लिए। 3:15 तक हमारा लंच हुआ था क्योंकि वो लोग आए ही 1:30 बजे और फिर थोड़ा बैठ के बातें की। उन्होंने ब्रेकफास्ट लेट किया था क्योंकि रात को लेट नाइट आए थे तो सुबह लेट उठे थे, ब्रेकफास्ट लेट हुआ, देन लंच भी लेट हो गया। 3:30 बजे खाना खाया एंड 4:30 तक हम लोगों ने सबने बातें की। और भाविक भाई भी रात भर ड्राइव करके आए थे तो ही वॉज ऑल्सो टायर्ड। तो अंकल आंटी उस वाले रूम में, यहाँ पे रूपल और यहाँ नीचे नीचे जो बिस्तर लगा है जहाँ प्रिशा बैठी है। प्रिशा तैयार हो जा बेटा, मैं तैयार हो गई। यहाँ प्रिशा सो गई थी, तो सॉरी मैं सो गई थी साथ क्योंकि लोग पतंग चला रहे थे, अकेला तो नहीं छोड़ सकते थे ना। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब घर भरा भरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 6:30 बजे सब लोग सो के उठे, 4:30 सो के, और फिर हमने चाय वाय बनाई और अभी 7:45 हो रहे हैं। चाय पी के विवेक आंटी अंकल को लेके बाजू में जो गणपति टेम्पल है ना जिसमें हम गणपति रखते हैं, आपको मैंने बहुत बार दर्शन भी करवाए हैं, वहाँ विवेक आंटी अंकल को ले गए हैं। और रूपल और भाविक जो हैं वो दोनों गए हैं एक फ्रेंड को मिलने, उनका एक और दोस्त है यहाँ पे, तो बोले आप रेडी हो जाओ भाभी तब तक हम मिल के आते हैं। मैंने नेल पेंट लगाया, देखिए 9 to 5 का है ये, और मैंने जीन्स जो पहनी हुई थी कल की पड़ी थी, मैंने कहा चलो इसी को रिपीट कर लेते हैं, और साथ में ये पहना है स्वेटशर्ट, ये बहुत गर्म है और यहाँ ठंड आज बहुत ज़्यादा है। मकर संक्रांति के दिन
बहुत ज़्यादा ठंड है गुजरात में, मतलब साउथ गुजरात में इतनी ठंड नहीं होती लेकिन काफ़ी ठंड है आज यहाँ पे। पूरा दिन मैंने सॉक्स डाल के रखे हैं और ये मोटा क्विल्ट जो हमारा कभी नहीं निकलता, ये हमेशा मेरा बेड में पड़ा रहता है, ये सारा बाहर निकल आया है, इतनी ठंड हो रही है। और कुछ गद्दे वगैरह मैंने एक्स्ट्रा बनवा के रखे हुए थे, ये लोग इसीलिए यहाँ पे नहीं आए, कल रात को इन्हें लग रहा था मेरे पास गद्दे नहीं होंगे एक्स्ट्रा या बिस्तर नहीं होंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, मतलब रात को जब बिस्तर लगेगा तब दिखाऊंगी। सो हमने ऐसे सोचा है इस रूम में रूपल, मैं, प्रेशा सो जाएंगे, बूथर अंकल आंटी, और फ्रंट वाला जो रूम है हमारा बड़ा वाला टीवी वाला रूम ड्राइंग रूम, उसमें विवेक, भाविक भाई और दोनों बच्चे हमारे क्रेश और अभी, ऐसे करके हमने सोचा है। तो अभी फिलहाल ये लोग जैसे आ जाते हैं सब लोग अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, फिर हम लोग निकलेंगे डिनर करने के लिए कहीं बाहर, क्योंकि यहाँ की जो स्पेशल चीज़ें हैं वो तो खिलानी है ना अंकल आंटी को। और इतना अच्छा लगा ना अंकल आंटी आए तो ऐसे मम्मी वाला फील आ रहा है मुझे, मतलब कोई बड़ा आता है ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, अंकल आंटी आए ना मुझे बहुत दिल को खुशी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा अंकल आंटी का आना। सीरियसली आई एम ग्रेटफुल कि रूपल उन्हें लेके आई मेरे यहाँ पे और मुझे सेवा करने का मौका मिला। बहुत अच्छा गया आज का मेरा त्यौहार, बड़ों के साए में, बड़ों के आशीर्वाद में खूब अच्छा रहा। क्यों हम कहाँ जा रहे हैं डिनर के लिए? वी आर गोइंग आउटसाइड फॉर डिनर, यू डोंट नो दैट वी आर गोइंग, बट वेयर? ये देखो इन दोनों को गेम खेलने से फुर्सत नहीं है गाइस, इनसे बस गेम खिलवा लो। और ये जो बच्चा है ना, ये जो बच्चा है इसका नाम है क्रिश, और ये खुद भी एक यूट्यूबर बनना चाहता है, तो जब ये चैनल बनाएगा तो मेरे चैनल पे मैं इसके चैनल को प्रमोट करूंगी। या थैंक यू सो मच। कब बना रहा है ये बता? आई हैव स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। वाओ, यू आर व्लॉगिंग और व्हाट? नो नो, दे आर गेमिंग वीडियोस, लाइक स्क्रीन रिकॉर्डिंग गेमिंग। आई डोंट नो हाउ टू व्लॉग दैट वेल। तो यू डू इट विद मी? या बोल प्रिशा, बॉडी बटर, शी नीड अ बॉडी बटर, उसको बॉडी बटर चाहिए। भाई यहाँ पे स्पॉनर है, यहाँ पे स्पॉनर है, अब तुम अपना सॉन्ग चला लो। भाई स्पॉनर है ये, आजकल मैं हाथ पांव पे लगा रही हूँ, बहुत अच्छा है। ये ले बेटा सोनिया अंकल और रूपल हमारे बहुत सारी चीजें लाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे लिए कुछ ये केले के वेफर्स, और भी चीज़ें ये लोग हमारे लिए लेके आए हैं, इसके अंदर भी कुछ नमकीन और बिस्किट्स वगैरह हैं, और भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर भी कुछ बिस्किट नमकीन वगैरह हैं, और इसमें आई थिंक ये लोग लाए हैं गुलाब जामुन, गुलाब जामुन लाए हैं हमारे लिए, मेरे फेवरेट हैं, भाविक भाई को पता है कि मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है तो मेरे लिए लेके आए हैं। और इसमें क्या है, दीज आर समथिंग पैटीज और समथिंग, वो हमारे गुजरात में पैटीज मिलती हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में, आई थिंक वही है। जब फैमिली दूर होती है ना तो ये जो फ्रेंड्स होते हैं इन्हीं के सहारे ज़िंदगी चलती है, हमारा भी ज़िंदगी कुछ ऐसा ही है मेरा और विवेक का, मेरी फैमिली भी दूर है और इनकी फैमिली भी आते जाते नहीं ना वो लोग ज़्यादा, तो ही फील समटाइम वेरी अलोन, बट ये फ्रेंड्स होने से ना लाइफ थोड़ी हरी भरी रहती है, यू नो फ्रेंड्स होने चाहिए। अरे वाह, सब साथ में आ गए, मंदिर गए हम लोग, मैं गई मतलब भाभी को नहीं। हाय कलो, हाय कलो, चल रेडी हो जा, देख मैं रेडी हो गई। तो यहाँ पे बस सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे क्योंकि फिर बाद में जाना था डिनर पे, सब रेडी हो रहे थे। और आंटी अंकल देखिए, ये रूपल के मॉम डैड हैं, यानी कि जो मेरी दोस्त बैठी हुई है उसके मम्मी पापा हैं, जो कि अहमदाबाद में ही रहते हैं रूपल के घर के थोड़ा सा पास में। और विवेक देखो कितना खुश है, और सामने भाविक जी जो हैं वो सबको हेलो कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस को, यानी आप लोगों को। सो गाइस, नाउ फाइनली वी आर मूविंग, मैंने चेंज कर लिया है और ये नया वाला हुडी पहन लिया है, सब लोग बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, और प्रिशा इज आल्सो लुकिंग क्यूट, बच्ची जैसी रेडी हुई है हुडी पहन के, एंड आई एम लाइक ऑल लेदर जैकेट एंड ऑल। पता नहीं मुझे ना आज मैं ज्यादा सोली ना तो आंखें ये लग रही हैं बहुत सोई सोई सी। कहाँ जा रहे हैं हम लोग डिनर के लिए, बोले ये लोग कुछ? हम लोग जा रहे हैं सरोवर शायद से, तो लेट्स सी। चलो, हाँ बेटा,
तो बस इसके बाद हम लोग निकल चुके थे डिनर पे। लगभग हम निकले थे घर से 9 बजे के करीब, 9:15 के करीब, और हम लोग जा रहे हैं सरोवर काठियावाड़ी। यहाँ पे एक जगह पे काठियावाड़ी फूड बहुत अच्छा मिलता है, तो उस शाम हमने एंजॉय किया था रोटला, देन भिंडी मसाला एंड बैंगन का भरता, भरे हुए बैंगन, ये सब एंजॉय किया था। सो इसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे। बाद में मैं कुछ शूटिंग नहीं किया, हमने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया ऑल टुगेदर, और आंटी अंकल के साथ डिनर करने का बहुत मज़ा आया। आंटी अंकल को भी डिनर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आंटी अंकल के आशीर्वाद से ये फेस्टिवल पूरा हुआ। लव यू, बाय।